लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। महिमा चौधरी 10 सितंबर को 44 साल की होगी। दार्जिलिंग में जन्मी महिमा ने शुरुआती दौर में कई एड्स में काम किया। इसी बीच फिल्म मेकर सुभाष घई की नज़र उन पर पड़ी और बतौर लीड एक्ट्रेस पहली बॉलीवुड फिल्म पर देश में ली। फिल्म सुपरहिट रही, इसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी। हालांकि हिट फिल्म के बाद भी महिमा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आखिरी फिल्म डार्क चॉकलेट में उन्हें देखा गया। महिमा चौधरी का टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से लंबे समय तक अफेयर चला। दोनों ने करीब 6 साल तक डेटिंग की। कहा जाता है कि पेस के चक्कर में महिमा ने अपना फिल्मी करियर भी दांव पर लगा दिया था। हालांकि बाद में दोनों में ब्रेकअप हो गया। महिमा ने पेस से अपने रिश्ते को लेकर एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, लिएंडर ने उन्हें धोखा दिया। वो एक अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, लेकिन बतौर इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे जब पता चला कि उनके आसपास कोई दूसरा शख्स भी है तो मैं शॉक्ड रह गई। उनके जाने से मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब तो मैं और ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ। लिएंडर से ब्रेकअप के बाद महिमा ने 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली। बॉबी से शादी के कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी। ऐसे में मीडिया में यह खबर जोरों पर थी कि महिमा शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं। इसी वजह से उन्हें आनन फानन में शादी की थी। हालांकि खुद महिमा ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। बता दें कि महिमा और बॉबी की बेटी है, जिसका नाम आर्यना है। हालांकि